हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KBC स्पार्क इंडिया पर। दोस्तों, भारत रत्न पर ये मेरा पहला सेट है और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि मैं जब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ तो उस पर उसकी रेटिंग भी लिख देता हूँ, ये कितने लाख या करोड़ का क्वेश्चन हो सकता है। इसमें सभी इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए मैंने कोई रेटिंग नहीं दी है। तो आप सभी प्रश्न को अच्छे से देखें। लास्ट में दो प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने भारत रत्न से हटकर बताए हैं, वो भी आपको देखने हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार निम्न में से किसे नहीं दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन तीनों व्यक्तियों को 1954 में मिला था और जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 1955 में मिलने का अर्थ है कि ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 तक अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त करने वाले किसी राज्य के अंतिम मुख्यमंत्री कौन हैं? गोविंद वल्लभ पंत, विधान चंद्र रॉय, के कामराज और एमजी रामचंद्रन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधान चंद्र रॉय। देखिए, प्रश्न का मतलब है कि जीवित रहते हुए ही जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया है वो मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। अब तक 6 मुख्यमंत्रियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है, जिनमें क्रम से है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, गोविंद वल्लभ पंत, विधान चंद्र रॉय, के कामराज, एमजी रामचंद्रन और गोपीनाथ बारदोलोई। इनमें से जो पहले तीन मुख्यमंत्री रहे हैं इन्होंने जीवित अवस्था में ही भारत रत्न प्राप्त कर लिया था और जो अंतिम तीन हैं इनको मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के कामराज, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे 1954 से 1963 तक। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सा दिवस भारत रत्न प्राप्तकर्ता के सम्मान में नहीं मनाया जाता है? ए, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, बी, राष्ट्रीय गणित दिवस, सी, शिक्षक दिवस और डी, इंजीनियर्स दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गणित दिवस। देखिए, ऑप्शन ए को देखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है जिनको 1961 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ऑप्शन सी, शिक्षक दिवस, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है जिनको 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और ऑप्शन डी को देखिए, इंजीनियर्स दिवस, ये विश्वेश्वराय के सम्मान में मनाया जाता है जिनको 1955 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गणित दिवस, ये भारतीय गणितज्ञ रामानुज के सम्मान में मनाया जाता है लेकिन उनको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय गणित दिवस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में जन्म लेने वाले व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। वर्ष 2019 तक महाराष्ट्र में जन्म लेने वाले 8 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है जो किसी अन्य राज्य से ज़्यादा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से 7, तमिलनाडु से 7 और बिहार से 4 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन 20वीं शताब्दी में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंतिम व्यक्तियों में से एक नहीं है? या फिर ये कह लीजिए कि निम्न में से किसे 20वीं शताब्दी में भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मिल्ला खान। देखिए, 20वीं शताब्दी में अंतिम जो पुरस्कार दिया गया था वो 1999 में दिया गया था 4 व्यक्तियों को, जिनमें थे जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलोई और रविशंकर।
तो ये चार व्यक्तियों को दिया गया था अंतिम बार 20वीं शताब्दी में, और जो बिस्मिल्ला खान हैं इनको दिया गया था वर्ष 2001 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिस्मिल्ला खान। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि वर्ष 1999 ये ही एक ऐसा वर्ष है जिसमें चार व्यक्तियों को एक साथ भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगर प्रश्न आता है कि 21वीं शताब्दी में पहला भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था, तो वर्ष 2001 में बिस्मिल्ला खान और लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत रत्न पुरस्कार और रहमान मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त नहीं किए हैं? मदर टेरेसा, एम एस सुब्बालक्ष्मी, सी अमर्त सेन और डी सत्यजीत रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमर्त सेन। देखिए, चार ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है और रहमान मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है, जिसमें मदर टेरेसा, एम एस सुब्बालक्ष्मी, सत्यजीत रे और विनोबा भावे, ये चार व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर अमर्त सेन। अमर्त सेन को भारत रत्न पुरस्कार तो मिला है लेकिन अभी तक रहमान मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रपति को कभी भी भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? जाकुर हुसैन, बीबी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों, यदि आप केवीसी की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा लिखी हुई क्रिकेट पर ये ईबुक डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, ये ईबुक पढ़ने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कम से कम 50% बढ़ जाएगा। दोस्तों, ये तो भारत रत्न से संबंधित प्रश्न थे, अब मैं दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको और देख लीजिए। प्रश्न है, आज़ादी के बाद किस भारतीय महिला पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था, यानी वो पहली भारतीय महिला कौन थी जिस पर आज़ादी के बाद डाक टिकट जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद किस विदेशी महिला पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था, यानी वो कौन सी विदेशी महिला है जो भारतीय डाक टिकट पर देखी गई थी? लेडी माउंटबेटन, बी एलिजाबेथ सेकंड, सी मार्गरेट थैचर और डी एलेनोर रोजवेल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एलेनोर रोजवेल्ट। ये अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट की पत्नी थी। देखिए, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा थी उसको स्वीकार किया गया था, और ये उस समय मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ आयोग की पहली अध्यक्ष थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों की जो घोषणा थी उसके 15वीं वर्षगांठ पर, यानी 10 दिसंबर 1963 को एलेनोर रोजवेल्ट पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इस तरीके से ये प्रथम विदेशी महिला हैं जो किसी भारतीय डाक टिकट पर दिखाई दी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाने में मदद करें। धन्यवाद।